नवंबर च फुली वैक्सीनेटिड यात्रियों के लिए अमेरिका की लैंड बॉर्डर दोबारा खुलने बाद अमेरिका तो आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट लाजमी रहेगा। कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री बिल ब्लेयर ने साफ कर दिया है कि कैनेडियंस की सुरक्षा के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी है। कैनेडियंस को अमरीका जाने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और मुड़न से भी। The Point Roberts residents are vaccinated. Canada, British Columbia especially, those people are, their vaccination numbers are high. So I think adding that, what, $200 test every time somebody wants to come down and buy gas or pick up a package or grab a gallon of milk is really prohibitive. If you're vaccinated and have a rapid negative test, I think we're trying to make perfect the enemy of the good. Enemy of the good, and it just doesn't work for our economy. A very effective protection for Canadians. Our provincial partners, they're also very concerned about ensuring that people coming across those international borders can do so safely. हालांकि इस तो पहला अमरीकी सरकार ने मिक्सड वैक्सीन वाले कैनेडियंस नू एंट्री की मंजूरी दिती है। अमरीका ने दुनिया भर के लोगों के लिए सरहद 8 नवंबर तो खोलने का ऐलान किया हुआ है। गैर जरूरी यात्रा के लिए फुली वैक्सीनेटिड लोग हुण 8 नवंबर तो अमेरिका च दाखिल हो सकेंगे, पर फ्लाइट तो पहला RT-PCR टैसट करवाना लाजमी रहेगा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन तो पुरानी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर के सैलानी जो अमरीका जाने का इंतजार कर रहे सन, उन्हां दी उड़ीक खत्म होने जा रही है। इस तो पहला अमरीकी सरकार ने कैनेडा मैक्सिको के नाल लगती सरहद गैर जरूरी यात्रा के लिए खोलन का ऐलान किया। अमेरिका के नियमों मुताबिक एंट्री मौके कोरोना टैसट लाजमी नहीं होना चाहिए, फुली वैक्सीनेटिड का प्रूफ भी जरूरी है। अजिहे ही नियम कैनेडा नू लागू करन दे लई कहा जा रहा है। US कांग्रेस के मैंबरों तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और संसद नू लैटर भेजा जाएगा ता जो कैनेडा भी फुली वैक्सीनेटिड लोगों को टैसट तो छूट देवे। अमरीकी कांग्रेस के मैंबरों ने कहा कि कोरोना टैसट करवाने का नियम सरहद पार यात्रा के बहाल किए अधिकार नू लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। We need to be cautious and we need to exercise prudence in terms of traveling to places where COVID-19 is still spreading quite intensely. अमेरिका सरकार के फैसले ने होटल अते टूरिज्म सेक्टर के नाल जुड़े लोगों के चेहरों ते मुस्कान ल्याण दिती है। Niagara Falls, New York, and Niagara Falls, Canada, one big city. So I've got family on both sides, friends on both sides. We go shopping back and forth. It's a real symbiotic relationship. It's a great idea. I have friends there that I want to visit, so it's a great idea. And it was the first grandchild in our family. It was my first baby. I had a daughter. And so my dad lives in Canada, which he actually only lives 27 minutes from my house, but across the border. And so he wasn't able to come over to see her. We'd still find ourselves crossing over on the weekends for sports, entertainment, restaurants, really anything new that was going on. अमेरिका लैंड बॉर्डर नू दोबारा खोल रहा है, पर मिक्स्ड वैक्सीन वाले कैनेडियन अजे अस्पष्ट ने कि उन्हां नू एंट्री मिलेगी या नहीं, क्योंकि अमेरिका ने मिक्स्ड वैक्सीन नू मंजूरी नहीं दी है। So we want to get to that fully reopened state as quickly as we responsibly can, but it's always first going to be guided by doing what's right to beat this pandemic. नवे नियमों तहत कोई भी किसी भी वजह कारण कैनेडा मैक्सिको तो अमेरिका जा सकता है। मनिया जा रहा है कि जल्द अमेरिका एयर ट्रैवल से लगी पाबंदी भी हटा लेगा। जनवरी 2022 तो वैक्सीनेशन प्रूफ लाजमी होगा। नवे नियमों तहत कोई भी किसी भी जगह बिना कारण कैनेडा मैक्सिको तो अमेरिका जा सकता है। मनिया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका एयर ट्रैवल से लगी पाबंदी भी हटाएगा। जनवरी 2022 के मध्य तक हर यात्री जिस दे विच ट्रक ड्राइवर भी शामिल ने, उन्होंने अमेरिका च दाखिल होने ते वैक्सीन प्रूफ देना लाजमी होगा। मैक्सिको ते कैनेडा दोवें मुल्क अमेरिका ते बॉर्डर खोलन संबंधी दबाव बनाए रहे सन जो एक दूजे मुल्क दे विच वसदे परिवार आपस दे विच मिल सकन। नाल ही यह भी कहा गया सी कि विदेशी नागरिकां च अमेरिका च आउण लई वैक्सीनेशन जरूरी होगा। नवंबर महीने तो दोवें ही नीतियां लागू हो जाणगियां। बेशक अमेरिका ने हुण तक सरहद खोलण का ऐलान कर दिता है, पर इस तो पहला कैनेडा फुली वैक्सीनेटिड लोगों के लिए सरहद खोल चुके हैं। 21 मार्च 2020 नूं अमेरिका ते कैनेडा ने कोरोना कारण पहली बार सरहद ते यात्रा पाबंदी लाई सी। इस नूं समय समय ते बताया जाता रहा है ते हुण 21 अक्टूबर तक सरहद ते यात्रा पाबंदी है। हालांकि 9 अगस्त तो फुली वैक्सीनेटिड लोगों के लिए कैनेडा बॉर्डर खोल चुके हैं।
ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਣਗੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 80% ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 65% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ 56% ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨੇ 4,53,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 7,34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 3,47,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 97,00,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਤਾ ਕਿਹੋ ਹੋਗਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ